चैप्टर 8 करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 8B आज हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा चैप्टर का नाम है। क्लास 6 की मेरे पास मैथ की बुक न्यू कंपाउंडर सेकंड एडिशन मैथ की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 8B आज हमने स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर मन उसका है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली, ठीक है। अब आपने ये आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपने इसका क्या बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। रियाज वॉज एक्स पेन, जो रियाज है ना उसके पास हैज एक्स पेन है विद हिम इफ ही गेव 5 पेन्स। अब उसने 5 पेन दे दी है मुनीब को, तो बाकी कितने पेन उसके पास बाकी रह गए, यानी हाउ मेनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम, तो पीछे उसके पास कितने पेन रह गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स इसके पास टोटल पेन है, इसमें से 5 उसने मुनीब को दे दिए हैं, ठीक है। जो बाकी रह जाएंगे वो ये वाले हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या है कि सबा गेव 2y एप्पल टू रीमा, रीमा अब जो सबा है ना उसने 2y जो एप्पल है ना इतने वो रीमा को दी हैं। रीमा हैड ओरिजिनली क्यू एप्पल्स, रीमा के पास पहले क्यू एप्पल्स हैं। हाउ मेनी टोटल, यानी टोटल एप्पल्स हैं, हनी हाउ मेनी एप्पल्स डज रीमा पोजेस नाउ, यानी टोटल एप्पल रीमा के पास कितने हो गए। 2y उसको सबा ने दिए हैं और क्यू उसके पास पहले मौजूद हैं, 2y प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर और इस तरह भी लिख सकते हैं क्यू प्लस 2y, ठीक है। अच्छा अब इसका पार्ट 3 हमने करना है कि अमीना हैज m माइनस n टॉयज विद हर, जो अमीना है ना उसके पास जो टॉयज है वो कितने हैं, m माइनस n है। हर फ्रेंड गिव हर 2m प्लस n मोर टॉयज, अब इसके दोस्तों ने इसको 2m प्लस n जो टॉयज है ना वो मजीद अपने उसकी सालगिरह पर दिए हैं, तो इस तरह टोटल जो टॉयज है अमीना के पास कितने हो जाएंगे ये हमने देखना है। तो टॉयज उसके पास पहले m माइनस n है, उसके मजीद दोस्तों ने दिया है वो कितने हो गए 2m प्लस n। अब यहाँ पर m वाली टर्म्स को इकट्ठा, यानी लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये और ये तो कट जाएगा, ये आपके पास क्या रह गया 3m रह गया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करना है जो कि क्या है कि एड फॉलोइंग, हमने एड करना है 2y, पहला इसका क्या है 2x माइनस 3x प्लस 5y है, ठीक है। अब इनको हम किस तरह लिखेंगे, अब इसके दो तरीके मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने दोनों से करना है तो उससे दोनों से कर लेंगे। आ गया 2x, ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 3x, फिर ऐड करना है, प्लस का साइन लगाएंगे और 5x। अब यहाँ पे देखेंगे 2x आ गया, प्लस माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, प्लस 5x। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये ऑपोजिट साइड है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5x आ गया। अब यहाँ पे देखें ये दोबारा से ऑपोजिट साइन है, तो ऑपोजिट साइन जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। 5 में से 1 को निकालेंगे तो ये आ गया 4x, और साइन कौन सा आएगा 5 का, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े के साथ प्लस है, ठीक है। एक मेथड ये है, और दूसरा जो मेथड है वो ये वाला है मेथड 2। आपने क्या करना है, पहले दो को आपने ऐड कर लेना है, 2x माइनस 3x, ठीक है, इनको आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो ये आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें इस जो 5x का है ना, 5x को ऐड कर देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ गया 4x, ठीक है। जो भी मेथड आपको ईजी लगता है आप उस मेथड से कर लें, ठीक है। मैं ये वाला मेथड यूज करूंगी, हाँ जी। 3ab है, फिर आ जाता है 2bc आ जाता है, फिर माइनस 7abc आ जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स में इनको लिख लेते हैं 3abc, अच्छा प्लस लगाएंगे क्योंकि ऐड इन्होंने कहा है, ऐड का तो हमने प्लस लगाना है, प्लस के बाद कॉम ब्रैकेट लगानी है और फिर ये वाली टर्म लिखनी है, फिर प्लस लगाना है और फिर ये वाली टर्म लिखनी है, ठीक है। ब्रैकेट हटाते हैं, प्लस 2abc है, ये ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 7abc रह जाएगा। अब इन दोनों को आपस में करते हैं तो ये आ जाएगा 5abc माइनस 7abc, ऑपोजिट साइन है, जो ऑपोजिट साइन है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, यानी 2abc आ गया, और साइन इसका आएगा नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि 7 आपके पास बड़ा है, 5 छोटा है, जो बड़े का साइन होता है वही हम लगाते होते हैं, ठीक है, हाँ जी। अब इसका पार्ट 3 है कि 2a प्लस 3b है और कॉमा 3a माइनस 4b है, ठीक है। अब इसको किस तरह करते हैं, 2a प्लस 3b, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3a माइनस 4b। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है, 2a प्लस 3b, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 3a माइनस 4b। लाइक टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं, यानी ए ए वाली टर्म्स को लिखते हैं,
और फिर बी बी वाली टर्म्स को लिखते हैं, टोटल 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब इनको आपस में हल करते हैं, ये आ गया 5a और ये प्लस माइनस क्या होता है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 3 को निकालेंगे तो एक b रह जाएगा और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो क्या है, a प्लस बी माइनस सी है और कॉमा 3a प्लस बी माइनस 2c है। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स में लिखना है इसको, a प्लस बी माइनस सी, दरमियान में ब्रैकेट के बाद हमारे पास जो साइन आता है वो जमा आता है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और ये दूसरी टर्म लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। जब ब्रैकेट रिमूव करनी है तो पहली ब्रैकेट ऐसी आ जाएगी क्योंकि इसके बाहर भी प्लस है, तो ये इसी तरह आ गया, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर प्लस है, प्लस है तो अंदर साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमने एग्जैक्ट साइन उसी तरह लिख दी है। अब लाइट टर्म्स एक जैसी टर्म है, ए जितने भी ए हैं उन सबको हमने इकट्ठा कर लेना है, फिर जितने भी बी हैं उन सबको हमने इकट्ठा करना है, फिर जितने भी सी हैं उस सबको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब ये आपके पास 4a आ गया, ये प्लस 2b आ गया, ये आपके पास सेम साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो वो ऐड होते हैं, तो ये 3c आ गया, साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि 2 आपके पास बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 4a माइनस 3b प्लस 5c और माइनस 5a प्लस 4b माइनस c। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लिखते हैं, ब्रैकेट में ये पहली टर्म लिखी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर ये दूसरी टर्म लिखी ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, 4a माइनस 3b प्लस 5c, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, तो माइनस c। लाइक टर्म्स एक तरफ करते हैं, ये b वाली टर्म आ गई और ये c वाली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 5 में से 4 एक आ गया, साइन नेगेटिव का आएगा, क्यों, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही आपने लगाना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का है और ये माइनस का है, ऑपोजिट साइन है तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1b रह जाएगा और 4 बड़ा है तो इसके साथ प्लस का साइन, अब ये प्लस माइनस माइनस है, ठीक है, तो ये 4c रह गया और साइन आएगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, ठीक है, पहली टर्म है, दूसरी और तीसरी टर्म है, तीन टर्म्स वाला अब है। सबसे पहले ब्रैकेट में हमने ये लिखना है पहली टर्म, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरी टर्म लिखेंगे 2m² माइनस 3mn प्लस 4n², फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर चौथी तीसरी टर्म लिखेंगे 2n², ठीक है। अब हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, ठीक है, तो यह आएगा m² प्लस mn प्लस n², अब ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, प्लस 2m² माइनस 3mn प्लस 4n², ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस m² प्लस mn और माइनस 2n². लाइक टर्म्स जितने भी m हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, 1 2 एंड 3, m² प्लस 2m² माइनस m², ठीक है। अच्छा, इसके बाद है mn प्लस mn माइनस 3mn और प्लस mn, फिर आ जाता है n² प्लस n² प्लस 4n² माइनस 2n², 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक प्लस का है mn, ये माइनस का mn, ये कट गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो हम देखते हैं क्या है, यानी जो बाकी रह जाएगा वो रह गया 2m². अब इधर से देखिए क्या कट जाता है, इधर से आपके पास कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे, ऑपोजिट साइन है, जब ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2mn साइन नेगेटिव का आएगा, साथ में प्लस mn भी लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से ये सेम साइन है तो ये 5n² माइनस 2n² आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2m² इसी तरह आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये आपके पास क्या है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस mn आ जाएगा, ये भी आपके पास क्या है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3n², जबकि साइन आपके पास प्लस का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है।
से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हो तो मुझे आपने ज़रूर फेसबुक पर बताना है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपने कौन सा टॉपिक समझना है, मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगी डिटेल से, ठीक है। तो लेकिन जाने से पहले और इसको आगे सॉल्व करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर आपने करना है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3x³ - 4x² + 5x + 1, x³ + 2x² - 3x + 4, 4x³ - 3x² + 4x - 5। ब्रैकेट्स में सारा कुछ लिख लेते हैं। 3x³ - 4x² + 5x + 5x + 1 + x³ + 2x² - 3x + 4, फिर +4x³ - 3x² + 4x - 5, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इसको आगे प्रोसीड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। यहाँ ब्रैकेट के पास प्लस है तो हमने इसी तरीके से इसको लिख लेना है, इसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखें, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जो जैसा है उसको हमने वैसा ही लिख दिया है। ये भी प्लस है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होंगे। 4x³ - 3x² + 4x - 3। अब हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, 3x³ है + x³ है + 4x³ है, फिर 4x² है + 2x² - 3x², फिर x वाली टर्म्स को इकट्ठा करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, +1 + 4 - 3। अब यहाँ पे देखें कि पहले इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आंसर आता है, 4x³ + 4x³। अच्छा, एक चीज़ तो हमने देखी नहीं, इसमें कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि पूरे हैं। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब इधर से हम देखते हैं, ये ऑपोजिट साइन है तो ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x² - 3x², लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब इसी तरीके से ये आपके पास ऑपोजिट साइन है, ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये 2x आ गया लेकिन साइन प्लस का आएगा। अब ये वाले हैं तो ये आपके पास कितने हैं, सेम साइन है तो ये 5 - 3 यानी कि ऐड हो जाते हैं। बस याद आपने ये रखना है कि जो ऑपोजिट साइन है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो सेम साइन है वो ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, सेम साइन है, 4 + 4 आपके पास 8x³ आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये आपके पास सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है तो ये आपके पास ऐड होंगे। 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आंसर आता है, 5x² आ गया लेकिन साइन आपका माइनस का आ गया, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है और बड़े के साथ साइन माइनस का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ पर आपने इनको सॉल्व किया, यहाँ पर 4x मिसिंग था मेरे से, +4x, तो अब इनके भी सेम साइन है तो ये आपके पास ऐड हो गए, 6x आ गया। ऑपोजिट साइन है, ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट और ये 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करनी है और फीडबैक मुझे जरूर देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हमारे पास ये हुई है कि यहाँ पर आपके पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 3 नजर आ रहा था, ये आपके पास 5 है तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, 5 और ये 5 जो है ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि सेम है और ऑपोजिट साइन है तो इस वजह से ये आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास जस्ट आंसर 8x³ - 5x² + 6 रह गया, ठीक है। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप खुद करेक्ट कीजिएगा, मेरा मकसद सिर्फ आपको स्टेप समझाना होता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो छोटी मोटी, यानी कि आपके पास हम लोग जब करने हैं तो कोई ना कोई आपके पास कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाए तो वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो यहाँ पे कंसर्न होता है वो सिर्फ ये चीज़ होती है कि इन चीज़ों को मैं आपको किस तरीके से करके दिखाऊँ, जिस तरह इस टॉपिक में मेरा ये था कि ब्रैकेट्स को आपको कैसे खोलने सिखाऊं, और दूसरा ये कि आपके पास लाइक और अनलाइक टर्म्स आपने कैसे इकट्ठी करनी है, ठीक है। बाकी आप सारा अलजेब्रा करते आ रहे हैं, ये आपको सारा इसको पता होगा कि कौन कब कब करता है। मैं एक दफा फिर बता रही हूँ कि अगर साइन ऑपोजिट हो और वैल्यू सेम हो तो आपस में कट जाती है, जिस तरह यहाँ पे +5 और -5 था, 5 5 सेम था लेकिन एक प्लस और माइनस में था तो ये आपस में कट गया, ठीक है।